हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और ये जो इंडिपेंडेंस डे है, ये हर साल यूं ही आता रहे, यही विश करते हैं। सो प्रीवियस क्लास में हमने 3.3 एक्सरसाइज स्टार्ट की, जिसमें हमने पैरेललोग्राम के कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया था। काफ़ी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, बट अब जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी पैरेललोग्राम के ही क्वेश्चन है। ये मानकर चले कि 3.3 या थर्ड जो एक्सरसाइज है वो टोटली डिपेंड है इस पे, पैरेललोग्राम पे। तो हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के बेस पर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और जो ये क्वेश्चंस हैं जिनमें हमें एक्स फाइंड करना है या साइड फाइंड करनी है, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज प्रीवियस जो एग्जाम हुए हैं 8th क्लास में उनमें ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। सो आपके सामने जो डायग्राम है इसके अंदर आपको एक्स फाइंड करना है, और इसके अंदर बेसिकली आपके पास टू पैरेललोग्राम गिवन है। फर्स्ट पैरेललोग्राम कौन सा है? KRINS, ये पैरेललोग्राम है आपके पास। इसे मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूं, ये पैरेललोग्राम है आपके पास, डार्क किया मैंने, क्लियर हुआ कि कौन सा पैरेललोग्राम है। सेकेंड, अगर आप इस लाइन को डार्क कर दें तो ये भी आपके पास क्या है? पैरेललोग्राम है। इट मीन्स इसके अंदर आपके पास कितने पैरेललोग्राम है? टू पैरेललोग्राम है। और हमें फाइंड क्या करना है? एक्स फाइंड करना है। सो बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे पास, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास, 3 या 4 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। अब आप ये देखें कि ये एंगल आपके पास कितना है? 120। इट मीन्स ये एंगल भी क्या होगा? 120 होगा, क्लियर हुआ। इट मीन्स आई इक्वल टू एंगल के, रीजन अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, क्लियर हुआ कि आई है वो के क्या है? इक्वल है। रीजन क्या है? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है। सो एंगल आई आपके पास क्या रहेगा? 120। अब आप यहां पे थोड़ा सा ये चेक करें कि अगर मैं इस लाइन को प्रोड्यूस कर दूं, इसको आगे प्रोड्यूस कर दे, बढ़ा दे, तो ये जो लाइन है ये इन दोनों लाइन को क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। किस पॉइंट पे? एस पे और आई पे। तो अब आप ये चेक करें कि ये यहां आपके पास क्या बनेगा? जेड बनेगा। चलो ये कॉन्सेप्ट काफी लेंथी हो जाएगा, इजी से कॉन्सेप्ट करते हैं। सो ये आपके पास 70 है, इट मीन्स कि एंगल ई भी आपके पास क्या होगा? 70 होगा। अगर ये एंगल 70 है तो एंगल ई भी आपके पास क्या होगा? 70 होगा। एंगल ई इक्वल टू 70, रीजन क्या दोगे? सेम रीजन रहेगा, अपोजिट एंगल। अब आपके पास यहाँ E जो आ गया ना, E, ये एंगल आपके पास कितना है? 70 है। बट हमारे पास X फाइंड करना है, बट ये एंगल नहीं है। अगर हमारे पास ये थर्ड एंगल आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल के 3 एंगल का सम क्या रहेगा? 180 रहेगा। सो हम क्या करेंगे? अब आप ये बताइए कि ये एंगल आपका 120 है, ये पैरेललोग्राम का है, तो S प्लस K का सम क्या रहेगा? एंगल S प्लस K का सम क्या रहेगा? 180। रीजन क्या दोगे? इंटीरियर एंगल। कौन से एंगल? इंटीरियर एंगल, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में कंसर्ट किया है कि ये भी पैरेललोग्राम की साइड है, ये भी पैरेललोग्राम की साइड है, तो साइड के इंटीरियर एंगल का सम क्या रहेगा? 180। तो आपको S की वैल्यू फाइंड करनी है, के आपके पास 120 है, इक्वल टू 180। सो एंगल एस आपके पास आएगा 180 माइनस 120, इट मींस वैल्यू क्या आएगी? 60 डिग्री। सो एंगल एस आपके पास क्या हुआ? 60। अब मैं यहाँ पे क्या पॉइंट मेंशन करता हूँ? ओ पॉइंट मेंशन कर देता हूँ, इसको ओ नेम देते हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। सो इन ट्राइंगल ओ एस ई, एंगल ई आपके पास कितना है? 70। एंगल एक्स आपको फाइंड करना है, एंगल एस आपके पास कितना है? 60 है। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि आप डायरेक्ट इसको एंगल ई नहीं मेंशन कर सकते, ई का मीन हुआ कि टोटल एंगल हो गया, बट
हमने एक ट्रायंगल मेंशन किया है कि ट्रायंगल ओएसई में इसके बेस पर हम एंगल मेंशन कर सकते हैं। इट मींस कि एंगल एक्स एंगल ई एंगल एस का सम क्या रहेगा 180, एंगल एक्स फाइंड करना है, ये 60 और ये 170 इक्वल टू 180। क्लियर हुआ यहां से? अब इस क्वेश्चन को हम यहां सॉल्व करने वाले हैं। सो एंगल एक्स प्लस कितना हो जाएगा 130 इक्वल 180 है, तो एंगल एक्स आपके पास 180 माइनस 130 क्या रहेगा 50 डिग्री। सो एंगल एक्स की वैल्यू क्या रहेगी 50 डिग्री। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि अगर ये 120 है तो ये भी 120 होगा, अगर ये 120 है तो एस एंगल 60 आ जाएगा क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम आपके पास 180 होगा। सो इसी तरह से ये 70 है तो ये डायरेक्ट 70 आ जाएगा आपके पास, 70 और 60 130, 180 में से 130 माइनस किया 50 डिग्री। सो एंगल एक्स की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी 50 डिग्री। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। ये 9 नंबर क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया। सिंपल क्वेश्चन है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का यूज करना है, उससे आपके एंगल की वैल्यू आ जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 10 के टोटल पार्ट है वो सेम रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास एक ट्रेपेजियम गिवन है के एल एम एंड एन। अब आपके पास ये एंगल 100 डिग्री है और ये एंगल आपके पास 80 डिग्री है, तो आपको ये बताना है कि विच ऑफ इट्स टू साइड आर पैरेलल, किसकी कौन सी साइड है वो क्या होगी पैरेलल होगी। तो अब आप डायरेक्ट यहां पे ये चेक कीजिए कि अगर मैं इस लाइन को प्रोड्यूस करूं तो ये लाइन कहीं ना कहीं क्या करेगी इंटरसेक्ट करेगी, और अगर आप इस लाइन को प्रोड्यूस करते हैं तो क्या ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी नहीं करेगी। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि एल के एल पैरेलल टू क्या है एम एम। हम डायरेक्ट मेंशन नहीं कर सकते कि ये पैरेलल है, रीजन देना होगा। रीजन क्या होगा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180। इट मीन्स एंगल एम प्लस एंगल एन किसके इक्वल है 180 के। सो 100 प्लस 80 इक्वल टू क्या है आपके पास 180। क्योंकि मैंने आपसे एक बात कही थी कि टू लाइंस पैरेलल कब होगी जब उनका इंटीरियर एंगल क्या रहेगा 180 रहेगा। सो ये क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमें क्या बताना था, विच साइड इज पैरेलल, विच टू साइड इज पैरेलल, पैरेलल कौन सी साइड्स होगी। पैरेलल वही साइड होगी जिनका इंटीरियर एंगल क्या है 180 है। सो अब हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, टू एडजेसेंट एंगल आर इन रेशियो 3:2 फाइंड एंगल। मैंने इसको क्वेश्चन को शॉर्ट में मेंशन किया है, कंप्लीट क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा। आपको एडजेसेंट एंगल निकालना है। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं मैं बता देता हूं। ये पैरेललोग्राम है आपके पास, ये जो एंगल है ये तो आपके ऑपोजिट एंगल है, बिल्कुल जस्ट सामने जो एंगल है वो क्या है ऑपोजिट एंगल है। और ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए और बी जो एंगल है वो एडजेसेंट एंगल है और ए और सी जो है वो ऑपोजिट एंगल है। क्लियर हुआ? यानी कि पास पास वाले जो एंगल होंगे वो क्या होंगे एडजेसेंट एंगल होंगे और ये आपके पास ऑपोजिट एंगल है। इसने बोला है कि टू एडजेसेंट एंगल्स आर इन रेशियो 3:2। तो मैंने आपको पहले भी एक क्लियर किया था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में कि कोई भी वैल्यू होती है वो रेशियो में नहीं होगी, हमें उसे वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट एडजेसेंट एंगल आर 3x एंड 2x। तो हमने इसको रेशियो से किस में कन्वर्ट कर दिया 3x और 2x में, तो ये एंगल्स आ जाएंगे।
अब मैंने आपको ये कहा था कि अगर पैरेललोग्राम होती है तो इंटीरियर एंगल का सम क्या रहेगा, 180 रहेगा। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 3x प्लस 2x का सम क्या है आपके पास, 180। तो 5x इक्वल टू 180, सो x इक्वल टू 180 अपॉन में 5 से डिवाइड करो 36 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, 36 रहेगी। डायग्राम मेंशन कर देता हूं यहां पे मैं, ये पैरेललोग्राम है, अगर ये आपके पास 3x है तो ये आपके पास क्या है 2x, ये एडजेसेंट एंगल होते हैं, पास पास वाले एंगल। अगर ये 2x है तो इस एंगल की वैल्यू भी 2x, ये 3x है तो ये भी 3x होगा। तो हमें एंगल फाइंड करने हैं, तो एंगल्स आर 3x को मल्टीप्लाई किया 36 से, कितना आएगा 108 डिग्री। 2x का मतलब 2 को मल्टीप्लाई किया 36, तो ये आएगा 72 डिग्री। इन टू एंगल का सम आपके पास क्या रहेगा, 108 प्लस 72 इट मीन्स 180 डिग्री। सो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें मैं एंगल ही फाइंड करने हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है इस शेप में, H O P E, होप, और यहां से एक डायगनल ड्रॉ किया गया है जिसमें ये एंगल आपके पास 40 है, ये एंगल आपके पास Z है, ये एंगल आपके पास 70 है, ये एंगल आपके पास Y है, और ये एंगल आपके पास X है। तो आपको क्या फाइंड करना है, X, Y एंड Z फाइंड करना है। सबसे पहले हम इस एंगल की वैल्यू निकालेंगे, इस एंगल को मैंने क्या लेट किया, A लेट किया। इट मीन्स कि इस कंप्लीट पेयर का सम क्या रहेगा, ए प्लस 70 इक्वल क्या होगा 180। रीजन क्या देंगे, लीनियर पेयर, सो ए इक्वल टू 180 माइनस कितना हो जाएगा 70, तो इक्वल टू क्या रहेगा 110 डिग्री। ए आपके पास कितना है 110 है, इट मीन्स कि ए इज इक्वल टू क्या है एक्स है। रीजन क्या दोगे, अपोजिट एंगल, सो एंगल x इक्वल टू 110 डिग्री। क्लियर हुआ, एंगल x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 110 आ जाएगी। ये आपके पास 110 है और ये आपके पास क्या है a है। अब आपको फाइंड करना है कौन सा एंगल y और z। तो मैं आपको ये बता दूं कि पैरेलल लाइंस के अंदर जब z बनेगा, ये कौन सी शेप बन रही है, कौन सी शेप है, ये z बन रही है। इट मींस कि जो एंगल z होगा वही एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के। तो इस एंगल को मैं क्या लेट कर लेता हूं, b लेट कर लेता हूं। क्लियर हुआ यहां से कि इस एंगल को हम क्या लेट कर लेंगे, b लेट कर लेंगे। तो b की वैल्यू कैसे आएगी, 40 प्लस 110 प्लस b इक्वल टू 180। रीजन, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, सो एंगल b आपके पास आएगा 180 माइनस 150, इट मींस 30 डिग्री। तो इस एंगल की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 30। अगर ये 30 है तो z भी क्या है 30 है, z इक्वल टू एंगल b, z इक्वल टू एंगल क्या होगा 30। रीजन क्या दोगे, अल्टरनेटिव एंगल, कौन से एंगल, अल्टरनेटिव एंगल। इसका मीन कि जब भी आपके पास पैरेलल लाइंस में जेड बने तो वो एंगल क्या होगा इक्वल, जेड आपके पास क्या है 30 है, तो वाई क्या होगा आपके पास वाई। अब ये देखिए यहां से जेड बनेगा, ये जेड बन रहा है, इट मींस अगर ये 40 है तो वाई भी क्या रहेगा 40, सो एंगल वाई इक्वल टू 40। रीजन क्या दोगे, अल्टरनेटिव एंगल। तो ये क्वेश्चन है जिसमें x, y और z की हमें क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल है, 70 था, a फाइंड किया, a का जस्ट अपोजिट x होगा, x फाइंड हो गया। उसके बाद में हमें इस एंगल को b मेंशन किया, सो b की वैल्यू 30 आएगी ट्रायंगल के सम से। b है वो किसके इक्वल होगा z के, बिकॉज z बन रहा है यहां, सो ये आ जाएगा आपके पास 30। अगर ये 40 है तो ये भी क्या होगा 40, क्योंकि ये भी एक z बनने वाली है, z शेप में है।
सो जेड के एंगल इक्वल होंगे बिकॉज अल्टरनेटिव एंगल्स होते हैं। सो आज की क्लास में इतना ही। सो नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सो अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।